नमस्कार दोस्तों, रूरल न्यूज में आपका स्वागत है। आज जिला अलीगढ़ के तहसील अतरौली में सपा की पूर्व प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक आई थी। अतरौली में तकरीबन एक महीने पहले एनकाउंटर हुआ था, उसी मुठभेड़ में दो लोग मारे गए थे और एक थाना पाली के SHO जख्मी भी हुए थे। जो लोग एनकाउंटर में मारे गए थे उनके समर्थन में पंखुड़ी जी का आना हुआ था और वहाँ पर मामला भड़क उठा। हम लोगों पर अलीगढ़ अतरौली में हमला हुआ है। अभी हम लोग बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ से निकले हैं। हम पर बजरंग दल के लोगों ने पुलिस की सहायता से हमला किया और उसमें वहाँ पे पुलिस के लोग थे। पुलिस के किसी भी आदमी ने हम लोगों को बचाने की कोशिश नहीं करी। हमारे कई लोगों के चोट आई है, बहुत ज्यादा चोट आई है, खून बह रहा है, हम उनको अस्पताल ले जा रहे हैं और कई लोग अभी भी हमारे गायब हैं। हमें उनका अता पता नहीं है कि वो लोग कहाँ पर हैं और मेरी पूरी गाड़ी वहाँ पे तोड़ दी गई है। मेरी गाड़ी की चाबी ले गए, मैं गाड़ी के अंदर थी उसी टाइम पे गाड़ी को पूरा तोड़ दिया गया। गाड़ी पे पथराव हुआ, हम लोगों पे ईंटें पत्थर उठा उठा के मारी गई, उसी में कुछ लोगों के सर फूट गए हैं। अभी भी मेरा जो ड्राइवर है वो मिसिंग है, पता नहीं कहाँ पर है, वो हमें पता नहीं है। और भी कुछ लोग हमारे हैं जिनका हमें पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। और पुलिस वहीं पर थी उस समय, उन लोगों का नहीं जाना, नहीं। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी वहाँ से निकले हैं, लेकिन हमें इतना भी नहीं पता कि हम लोग पुलिस पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम लोगों को यहाँ पे मरवाने का बिल्कुल इन लोगों का प्लान था कि हम लोगों को यहीं पर मार दिया जाए। अगर हम 2-4-5 मिनट भी वहां ज्यादा रुकते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती, हमारे साथ के लोग जिंदा नहीं होते। पूरे हमें ईंटों से, हथियारों से मारने की कोशिश की जा रही थी और अभी भी हम नहीं जानते कि पुलिस की हमें कितनी प्रोटेक्शन मिलेगी। पूरा यहां पर सब साथ मिले हुए हैं, बहुत बुरा यहां पे हालत है। पुलिस के सामने वहां पे ये सब मारा जा रहा था और किस तरह की गुंडागर्दी है, आप सोचिए अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है जो आज ये हुआ है, क्या क्या माहौल है अलीगढ़ में, आप सोच सकते हैं कितना खराब यहाँ पर। और इस तरह की गुंडागर्दी मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि हम लोग जीवन में इस तरह का देखेंगे कि पुलिस की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे लोगों को मारने की कोशिश होगी। उनको पूरी, उनको वहीं पर अगर उनका बस चलता हमें वहीं मार के दफना देते। हम लोगों पे अभी भी, मेरी गाड़ी वहां पर है, हमारे लोग मिसिंग है, लोगों के खून बह रहा है और हम अभी भी पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकते। अभी भी हम ये नहीं बता सकते कि हम पुलिस कार्यालय जाए ना जाए हमें मदद मिलेगी, या फिर अगर हम पुलिस कार्यालय जाएंगे भी तो कहीं हमें पुलिस कार्यालय में ही वहां पे मार दिया जाए, वहां पे बजरंग दल के लोग पहुंचकर हमें जान से मार। तो आप सोच सकते हैं कि क्या क्या यहां पर हालत है। और अभी भी लगातार हम लोगों के गाड़ी के साथ और इधर उधर बजरंग दल के लोग हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से हम किसी तरह यहाँ से निकले हैं और अगर आज मुझे कुछ हो जाता है, अगर आज यहाँ से हम लोग वापस नहीं लौटते तो आपको पता होगा ये सब भाजपा सरकार बजरंग दल द्वारा यहाँ पे कराया गया, हमें मारने की कोशिश की गई। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए और मैं जितने भी लोग देख रहे हैं सबसे ये कहूंगी कि आप इसमें अगर कोई पत्रकार देख रहे हैं तो आप लोग ये जान लें, अगर कुछ होता है, जो भी आज मीडिया इस बात को नहीं दिखा रहा है, हम लोगों पे जो अटैक हुआ है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप लोग भी इसमें बराबर के जिम्मेदार होंगे। और पूरी तरह से यहाँ पर भाजपा सरकार में किसी तरह की कानून व्यवस्था नहीं बची है, बिल्कुल एक तरह का जंगल राज है। किसी भी आदमी को मारा जा सकता है, काट के फेंका जा सकता है, पूरी तरह की अराजकता है। हम लोग उनके सामने हाथ पैर जोड़ते रहे कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ बात करने आए हैं। और पंखुड़ी पाठक जी ने आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। उसके बाद हमारे सहयोगी विश्वंदु परिषद के उत्तर प्रदेश के विभाग मंत्री राम कुमार आर्य जी से बात की। लेकिन जब पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसा, परिणाम स्वरूप 5 अपराधी जेल गए और 2 अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया, लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है, जो अपराधी और अच्छे स्तर के बदमाश टाइप के लोग जो मुठभेड़ में मारे गए थे, वहाँ पर कुछ लोग सहायता, सहानुभूति और संरक्षण करने के लिए आए थे, जिसमें मीडिया के माध्यम से पूर्व विधायक जमीरुल्ला, पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह, उसके बाद यासीन कुरैशी, उसके बाद आज जो घटना घटी है वो भी उसी से लिप्त है। मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि
इतने दिनों से साधुओं और निर्दोषों की हत्या हो रही थी, उस समय ये लोग सहानुभूति करने के लिए, सहानुभूति प्रकट करने के लिए और सहायता करने के लिए उनके घर पर क्यों नहीं गए जिन लोगों के निर्दोष के होने के कारण से मरे और साधुओं की मंदिरों पर हत्या हुई? ऐसा क्या लग रहा है इन लोगों में कि ये उनके लिए बहुत अच्छे लोग हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं इनका नाम पता भी नहीं है। मैं तो मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाह रहा हूँ कि वास्तव में सहानुभूति प्रकट करनी है तो इन हत्यारों के माँ बाप कौन हैं, इनके परिवार के कौन हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं, इसका भी अनावरण करना चाहिए। अर्थात ये लगता है कि इनका कोई रखरखाव करने वाला था ही नहीं। ये तो हत्या और क्रिमिनल के मामले में ये जुड़े हुए थे, नाम पता बदल करके हरिद्वार में रहे। एटा में एक धार्मिक व्यक्ति की हत्या हुई, ये सब काम इनका ताना बाना रहता ही है। साथ ही ये लोग जो आए हैं आज सहानुभूति प्रकट करने आए थे, ये लोग भी कहीं कहीं उन लोगों से जुड़े हैं। अर्थात ये सिद्ध होता है कि ये लोग हत्या कराने में कहीं कहीं इन लोगों से जुड़े हैं। हमारा प्रशासन से मांग है कि ऐसे लोग, इन लोगों के लिए जो सहायता और सहानुभूति प्रकट करने आए थे और आज आए हैं, इन लोगों के खिलाफ़ मुकदमा कायम करना चाहिए और इन लोगों की जांच करनी चाहिए कि ये लोग कौन हैं। इतने दिनों से हत्याएं और अपराध इस ज़िले में हो रहे हैं, करा रहे हैं, अब क्यों नहीं हो रहे? मुठभेड़ में 2 लोग मारे गए, 5 लोग जेल पहुँच गए, अब वो हत्याएँ नहीं हो रही हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये सारे लोग कहीं ना कहीं इन प्रकरणों से जुड़े हैं, ऐसा हम लोगों की मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं। पंकज बाड़क जी आई थी, उन्होंने उनके साथ जो भी मतलब आज वाक्या हुआ है उसमें मतलब उन्होंने बोला है कुछ बंजन दल के कार्यकर्ता या जो भी थे अन्य पार्टी जो हिंदुओं की बोली जाती है उनके ऊपर आरोप लगा रही है, कुछ हुआ था ऐसा? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आरोप लगाने के लिए कोई कुछ भी करे, बजरंग दल एक राष्ट्रीय एवं सामाजिक संगठन है, लेकिन इस बात का उसने सदैव विरोध किया है। 1 महीने से साधुओं की हत्याएं, निर्दोष नागरिकों की हत्याएं हो रही थी, पुलिस पर भी दबाव बनाया कि इसका बहुत जल्दी अनावरण करें, ये लोग कौन हैं। पुलिस ने हमारी बात को स्वीकार किया और स्वीकार करने के आधार पर 5 लोग जेल भेजे, 2 लोग मुठभेड़ में मारे गए जिसमें एक थानाध्यक्ष पाली भी घायल हुए थे। ऐसे दुर्दांत अपराधियों का ये संरक्षण करने आए बजरंग दल इनका विरोध करता है। आज की जो घटना घटी है वो जनता में आक्रोश है, जनता नहीं चाहती है कि अपराधियों का संरक्षण किया जाए, ऐसे हत्यारों का साथ न दिया जाए, ऐसे हत्यारों का और अपराधियों का सहानुभूति न दिखाई जाए, इसलिए जनता के लोगों ने उनका विरोध किया है और विरोध के कारण से उनके साथ ऐसी घटना घटी है। सर, एनकाउंटर में जो कुछ लोग मरे थे, मतलब इसमें प्रशासन को आप कुछ बोलना चाहेंगे? प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य किया, ऐसे लोग जो नाम बदल करके हत्याएं, लूट जैसे जघन्य अपराधों में जुड़े हुए थे और जनपद अलीगढ़ में पूरा अलीगढ़ अशांत कर दिया था, कहीं मंदिरों पर साधुओं की हत्याएं हो रही हैं, कहीं निर्दोष नागरिकों की हत्याएं हो रही हैं, ये पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य किया है। ऐसे दुर्दांत हत्यारों को, अपराधियों को ऊपर भेज दिया, ये वो लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही मैं तो ये भी प्रशासन से मांग करता हूँ भजन दल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से कि ये जो लोग हैं ये हैं कौन, इनके परिवार वाले कहाँ गए? परिवार वाले जब इनका डेड बॉडी थी उनको भी लेने नहीं आए तो ये क्यों छिपे हुए हैं? जब ये पाक साफ लगते हैं तो ये क्यों नहीं आ रहे हैं? ये क्यों मीडिया के सामने या पुलिस प्रशासन से सहायता मांगने क्यों नहीं आ रहे? तो इससे सिद्ध होता है, ये कहीं ना कहीं मुझे डाउट है कि रोहिंग्या ये या फिर ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हुए ऐसे लोग हैं, यहाँ पर अपराध करने आए, हत्या करने आते हैं। इसलिए प्रशासन से पुनः मांग करता हूँ, ऐसे लोगों का अनावरण अति आवश्यक है। सरकार से भी हम कहना चाहते हैं कि यहाँ की जो पुलिस और प्रशासन है इन्होंने एक अच्छा कार्य किया है, इनके मनोबल को बढ़ाएं और बढ़ाने के साथ साथ ये और कहें कि ये लोग कौन हैं और इनका पूरा चिट्ठा, कच्चा चिट्ठा खोल करके जनता के सामने प्रस्तुत करें कि ये लोग कहीं रोहिंग्या तो नहीं है, कहीं बांग्लादेशी तो नहीं है। लेकिन बजरंग दल ये मानता है कि ऐसे लोग रोहिंग्या भी हो सकते हैं और बांग्लादेशी भी हो सकते हैं जो अपराध से जुड़े हुए हैं, जनपद अलीगढ़ में इस तरह का वो काम कर रहे हैं। जनता बहुत भयग्रस्त थी उससे पहले, लेकिन पुलिस ने, यहाँ के SSP महोदय ने बहुत अच्छा कार्य किया,
और SSP महोदय को बजरंग के माध्यम से सम्मान दिया जाता है। इतना बात मुझे। सर, पंगुड़ी पाठक ने जो आरोप लगाए हैं वो गलत है या सही? देखिए, पंगुड़ी पाठक एक नेता हैं, उनको जो कहना है वो मीडिया के माध्यम से कह सकती हैं, लेकिन उनको पुलिस को पहले अवगत कराना चाहिए था और उनके साथ जो घटनाएं घटी हैं वो स्वयं उसके लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे बदमाशों का संरक्षण करेंगी और निर्दोष लोग मारे जाएंगे उनके प्रति कोई भी सहानुभूति प्रकट नहीं करेंगी तो समाज तो ये सब जानता है, जनता सब जानती है, जनता के लोग तो विरोध करेंगे। अब माजरा ये है कि पंखुड़ी जी के आरोप सही हैं या गलत, इसका पता तो जाँच होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो मामला पूरी तरह प्रशासन द्वारा सुलझा दिया गया था, पंखुड़ी जी ने उसमें घी क्यों डाल दिया? रिपोर्टिंग करण सिंघानिया के साथ निशेंद्र कुमार उपाध्याय। दोस्तों, जुड़े रहिए रूरल न्यूज के साथ।